नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, हमारे संवाददाता संतोष योगी की खबर। मानसरोवर मंदिर की भव्यता देखने दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राजधानी भोपाल में सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय कश्यप के द्वारा 5 एकड़ भूमि पर स्वयं के निजी व्यय पर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग तथा 9 देवियों की स्थापना विधि विधान से की गई है। भोपाल में पहला मंदिर है जिसमें इतनी सुंदरता और भव्यता देखने को मिल रही है। इसके बाद विष्णु लोक की स्थापना होगी, फिर इंद्रलोक की स्थापना की जाएगी। इसके बाद एक गौशाला का निर्माण किया जाएगा जिसमें जितने भी आवारा पशु हैं उसमें गौधन की सेवा का कार्य किया जाएगा। संजय कश्यप के द्वारा ये बहुत ही धर्म के प्रति अलग जगाने का प्रयास है। जब ये निर्माण कर संपूर्ण हो जाएगा तब प्रदेश नहीं देश के कोने कोने से धर्म प्रेमी बंधु दर्शन लाभ के लिए पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो उसमें आज हमारा पूर्ण आहुति का 12 बजे संपन्न हुआ और यहाँ पे माता राजी जो गुफा में और सप्तऋषि यहाँ विराजमान किए गए और उसके साथ ही कर भंडारा जो कन्या पूजन यहाँ रखा गया भंडारे में, तो कन्याओं को काफ़ी यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी कन्या का पूजन करके उनको भोजन किया गया, उनका मान सम्मान कर गया और भक्तों ने यहाँ पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपना धर्म का लाभ लिया, खुद ही एक अपने आप को खुद विकसित करा कि हाँ कुछ यहाँ पे एक मानसरोवर धाम है और शिव के साथ शक्ति की भी ऊर्जा उन्होंने अपने आप में महसूस करी। ये भक्तों से काफ़ी हमको सुनने को मिला, तो एक फीडबैक जानने को मिला कि हाँ तो जहाँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा उमा शंकर यागे जो बनारस से आए हुए थे उनके द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुरु जी, मानसरोवर धाम काफी विशाल है, हालांकि कई लोगों को जानकारी नहीं है, विशाल मंदिर है, कहाँ पर मंदिर स्थित है? ये इंदौर हाईवे मेन रोड ग्राम फंदा कला हरिहर नगर में है और अभी काफ़ी प्रचलित है। जैसे शिवरात्रि पे 3 लाख पब्लिक यहाँ पे थी तो भगवान अपने खुद भक्तों को यहाँ बुला रहे हैं और जो सच्चे भक्त हैं वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि तो जिनका बुलावा हो तो वही आ सकते हैं, हर किसी की बस की नहीं कि वो यहाँ पे पहुँचे। नहीं, 9 देवियों की तो स्थापना हमारा पहले से नियोजित था, लेकिन अभी भगवान अकेले भोलेनाथ थे, अब उनका साथ में माँ जगदम्बा पधार चुकी हैं तो वो एक अपने आप में अलग ही ऊर्जावान रहा। ये पूरा 5 एकड़ में है, ये हमारा जो फेस पहला शिवलोक का है वो कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद में फिर ये विष्णुलोक है, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, गौशाला, ये पूरी 5 एकड़ जमीन मंदिर की लिए हमने आवंटित करके रखी हुई है और हर साल कुछ ना कुछ यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन होते रहते हैं। अभी जैसे हमारा जून जुलाई में मुहूर्त की डेट निकलेगी तो यहाँ पितरों का हमारे गुरु जो हैं ब्रह्मलीन स्वामी श्री नारायण शास्त्री जी और दादाजी जो पितर हैं हमारे, उनकी भी स्थापना हम करने जा रहे हैं, वो आगामी 2 से 3 माह में हम यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। उनकी स्थापना के लिए 2 वर्ष हो गए हैं यहाँ पे और 2 वर्ष में हमारा ये शिवलोक पूर्ण रूप से कम्प्लीट हो गया है, जिसमें एक विशाल घंटा जो आज स्थापित हुआ, अभी कलश का भी वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, सूर्य कलश रखा हुआ है वो भी लग जाएगा कल पे, तो वो भी एक यहाँ पे एक अद्भुत मतलब चमत्कारी प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसकी। वो भी है हमारे प्लान में है, लेकिन अभी विष्णु लोक के बाद में फिर हम उसको अगला जो कार्यक्रम रहेगा पाठशाला के लिए भी हमने कुछ यहाँ गुफा मंदिर के विद्वान हैं आचार्य हैं उनसे हमने विचार विमर्श करा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारा एक विद्यालय संस्कृत विद्यालय खोलने की, ताकि यहाँ पे ही हमको विद्यालय में यहाँ पे अभी आगामी 2 से 3 साल में हमें 25-30 ब्राह्मण की खुद आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक अपनी हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म के लिए पाठशाला होना जरूरी है, उस पर भी हमारा विचार है और आगामी साल में हम वो भी देने जा रहे हैं। संजय कश्यप, मैं मानसरोवर सेवा समिति का अध्यक्ष, यहाँ पे आप लोगों को भोपालवासी प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं और माता जगदम्बे यहाँ पधार चुकी हैं तो अपना यहाँ पे आपने दर्शन लाभ लेके और अपनी जो समस्या उनके सामने रखे भगवान भोलेनाथ और माँ जगदम्बे पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।